क्योंकि ये हमें इस रास्ते का मार्गदर्शन दिखाते तो आज हम इस मुकाम पर नहीं पहुँचते थे। आज हम इनकी करी इस मुकाम पर पहुँचे हैं और हम इतना बड़ा सम्मान लेकर के हम आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस कुछ मुँह में थे अपनी खुशी के मारे कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं। एक बार मैं अपने ग्रेट राकेश प्रसाद जी आप किस कालो साहब अजय पंडित जी के लिए आप किस कालो मैं सहेदिल से आगे आगे और कर लो आगे। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया और हमारी सपोर्ट की। और हमारे धर्मवीर सर उन्होंने हमें गाइडलाइन करते चले गए और उन्हें मुझको समझाते रहे। और मेरी मेरी पूनम मैडम जी उनके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि बार बार मुझको समझाती थी। और मेरी मेरी आप लोगों से गुजारिश है अगर शांति से अगर आप सुनेंगे विशाल टीम के लिए मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आज हमारी टीम हमें सहयोग नहीं करती तो आज हम इस मार्गदर्शन पर नहीं पहुँचते थे। मेरा नाम नवल देवी था और मैं गांव की रहने वाली थी। मेरे पास में मैं गांव से रहने सिस्टम जो किया था सिस्टम के बाद हम जीरो थे। हमारे पास में कुछ नहीं था। मेरे पिताजी मजदूरी किया करते थे और हम 5 भाई बहन थे। 5 भाई बहनों की शादी हमारे 5 भाई बहन थे। एक भाई था और 4 बहनें थी तो उनकी शादी एक ही गांव में की थी गरीबी के कारण। तो मुझको भी मेरे भी सपने थे क्योंकि मैं अपनी खुशियां अपने ले पाऊंगी। तो मुझे मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैंने भी ससुराल में मेरी भी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। मैंने भी ससुराल में एक गरीबी देखी थी। काफी बड़ा परिवार था। परिवार होने के बाद तो हमारी बहुत विरोध होता था, बहुत झगड़ा होता था। हम दोनों में काफी टाइम तक झगड़ा होता था। एक दिन रमेश जी हमारे घर आए थे और उन्होंने मुझको समझाया था, मैडम जी आज यकीन कीजिए और सुनील जी बहुत दमदार है, बहुत मेहनती है, ये अपने इस चीज का टारगेट कर लेते हैं तो उसको ही करके ही मानते हैं। विरोध होता तो मैं अपने मायके चले जाती थी। मैं मायके चली गई
इन्होंने एक अपने एक जिद्दी टाइप के थे जो मुझको कभी मुड़कर नहीं देखा था। मम्मी ने मुझको समझाया, बेटा अपने घर से ही अपना वो अपने घर जा, नहीं तो फिर भी नहीं जाना। मैं अपने मम्मी की बात मान करके मैं अपने ससुराल आ गई, तो उन्होंने फिर से अपने मैं अपने मेरे छोटे छोटे बच्चे थे तो उनकी एक कभी कभी दो महीने मार रहे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है आपस में आप लोग बात ना करें। यहाँ सामने एक डायमंड लेडी आप लोगों को समझाने बताने की कोशिश कर रही है। आने वाले कल में आप भी अपने सपने पूरे करना चाहते हैं ना? Yes! आप भी अपने परिवार को खुशियां देना चाहते हैं ना? Yes! ये कैसे काम चलेगा? यहाँ सामने से अगर कोई एक बड़ा मैसेज अगर दिया जा रहा है, उस मैसेज को अगर आप सीरियसली अगर आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आने वाले कल में कैसे आपको और आपके परिवार को एक बड़ा विजन मिलेगा? आपस में बातचीत ना करें, डिसिप्लिन को थोड़ा फॉलो करें, और यहाँ जो बात मैम कहने की कोशिश कर रही है उसे समझने की कोशिश कीजिए। सही है ना? पहले मैडम के लिए जोरदार ताली बजाओ, पहले आप लोगों का जोरदार ताली, जोरदार। मेरी शादी में तो इतनी भीड़ नहीं थी, आज मेरी शादी में कितनी सारी भीड़ बैठी हुई है। और मेरे पास में तो मैंने भी अपनी शादी में 700 रुपए के लहंगे पहने थे, 700 रुपए के भाई 700 के पहने थे, आज मैं 36,000 के लहंगे पहन रही हूँ। सब के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर हम से सब में नहीं होते ना हम इतना पहन सकते थे, इतना ही नहीं हम बोल सकते थे। सेठों की वजह से आज हमारे पास में सब कुछ है, गाड़ी भी है हमारे पास में, घर भी है हमारे पास में, और अपने काफी अचीवमेंट की अचीवमेंट हमने मोबाइल भी लिया है, अपने घड़ी भी लिया है, ली भी है, और अपने बच्चे मेरे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और मेरा बड़ा लड़का कोटा में इंजीनियर की तैयारी कर रहा है। मेरी बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी, मेरी बच्ची में कुछ नहीं रहा था, मेरी बच्ची रेफर करती थी जयपुर के लिए। आज सेफ शॉप में नहीं होते तो हम बच्ची को नहीं देख पाते थे। देखो बच्ची को नहीं देख पाते, मैं कभी सोचते नहीं होते बच्ची को नहीं देख पाते। ये भरतपुर रेखा के काम करते थे, इनके पास में काफी परेशानियां आती थी। मैं अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालती थी, मेरे पास में 4 बच्चे थे, 2 लड़कियां 2 लड़के थे। मैं सारी जिम्मेदारियां का लेना, घर का राशन पाने, अपना घर की सारी जिम्मेदारियां दारियां होती थी, मैं सबको निभाती थी। सबको निभाते हुए इनसे मैं कभी कभी बिल्कुल आने की नहीं कहती थी, आप काम करो सब में काम करो, आप मैं संभाल लूंगी घर की सारी जिम्मेदारियों को। सारी जिम्मेदारियां संभाली, और अपने एक दिन की बात है भरतपुर में रेकर काम कर रहे थे, काम करने के बाद उन्हें बहुत परेशानियां आई, आने के बाद उन्हें मुझसे बात की तो फोन पर रोने लगे। मुझसे कहा मैंने दो दिन से खाना नहीं खाया, मेरे पास में पैसे नहीं है, तो मैंने इनके लिए मैं आप चिंता मत करो मैं आपके साथ हूँ, तो मैंने उनके लिए मेरी पिताजी की एक कानों की कुंडल से उनको मैं बेच करके इनके लिए मैंने पैसे दिए थे। साथी गए तेरा साथ हो,
परेशानियां, बच्चों की, घर की, सब चीज की परेशानियां आती रही, हम जानते रहे, पर हमें हमारा एक लक्ष्य था, हमें एक बार डायमंड तो बनना ही है। मैं नैनीताल दिशा में गई थी तो दिशा में स्वतंत्र शेट्टी सर जी ने मेरे लिए, आप मैडम जी यकीन करिए आप डायमंड तो तुम जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। आज सर जी के आशीर्वाद से आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। परेशानियां आती खाने के लिए और हम दाने दाने के लिए तरस जाते थे, फिर भी हम किसी से नहीं रोते थे। हमने काफी परेशानियां अब का संघर्ष किया था। आज इनका ही दिन है भाई। भरतपुर में गांव से मैं भरतपुर में आई थी तो आने के बाद मैंने बच्चों को एडमिशन किया कराया, बच्चों के एडमिशन कराने के बाद बच्चे थोड़ी देर दिन तक अपने पढ़ते रहे, स्कूल जाते रहे, टीचर की शिकायत आई पैसे के लिए, हमारे पास में पैसे नहीं थे। पैसे के लिए मैं अपनी कुछ चीजें थी तो मैंने उनको गिरवी धर करके बच्चों की फीस के लिए पैसे जमा कराए थे। मैंने पर इनका पीछा नहीं छोड़ा था, जे मुझे किसी सेमिनार और प्लान और संडे का सेमिनार और फ्राइडे प्लान में भेजाया करते थे और अपने सेलिब्रेशन मुझको दिखाने के लिए ले जाया करते थे, मुझको साथ ही रखते थे क्योंकि मुझको अपने इस चीज की सेल्स और की नॉलेज थी, तो मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा था। चलती रहे और अपने पैसा तो आता है नहीं आता है, आता है नहीं आता है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ये चलती रहती है। तो अपना सब सारी जिम्मेदारियां घर की महिलाएं पे होती हैं, तो महिलाएं अपने हमें अपनी गृहस्थी किसी हिसाब से एडजस्ट करनी है, तो महिलाएं हमने ऐसा अपने हस्बैंड के लिए सहयोग कराए, आप भी इसी प्रकार से सहयोग करें तो आप भी इसी मुकाम पर पहुंचेंगी जरूर। हमारी इतनी सोच नहीं थी, हम 250-300 की साड़ी पहनने वाले थे, आज हम 1-1 हजार की साड़ियाँ, 1000 की और 1500 की साड़ियाँ पहनती हूँ और अच्छा VIP तरीके से रहती हूँ। डायमंड साहब की वाइफ को रोने रहोगे। आज मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं सब मुंह से निकल नहीं पा रहे हैं। मेरे लिए हस्बैंड मिले तो सुनील जी से मिले, नहीं तो सातों सात जन्म सुनील जी से मिले।
अपने हस्बैंड के सपोर्ट करें और इसी तरीके से डायमंड बने। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं डायमंड को सुनने के लिए, और उन्होंने क्या क्या किया, क्या स्ट्रगल उनके साथ में हुआ और